हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग, मींस आखिर ऑटोमेशन टेस्टिंग होती क्या है। अब हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग की डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो डेफिनेशन है, द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टूल्स टू परफॉर्म द टेस्टिंग विच इज और विच आर सेपरेट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर विच इज बीइंग टेस्टेड। इसका मतलब ये है कि हम लोग टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर्स या टूल्स यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग जिस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं उससे अलग होता है। तो ये है डेफिनेशन ऑटोमेशन टेस्टिंग की। अभी तक हम लोगों ने व्हाट पर फोकस किया कि आखिर ऑटोमेशन टेस्टिंग होती क्या है। अब हम लोग फोकस करेंगे व्हाई पर कि आखिर ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों चाहिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी टेस्टिंग की होगी तो उनको पता होगा कि मैनुअल टेस्टिंग में ही बहुत सारे डिफेक्ट्स सामने आ जाते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स जो है ये कैप्चर हो जाते हैं। लेकिन मैनुअल टेस्टिंग थोड़ा सा लेबोरियस है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। जैसे ही नया बिल्ड आता है हम लोगों को या मैनुअल टेस्टर्स को, फिर से वो सारे टेस्ट केसेस जो है वन बाय वन वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा बहुत मेहनत वाला काम है और इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। अगर हम लोग ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, मींस नया बिल्ड आते ही उसकी ऑटोमेशन टेस्टिंग कर लेते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में अगर कोई डिफेक्ट रह गया है तो वो हमें दिख जाएगा। यानी कि कोई टेस्ट केस अगर फेल हो रहा है तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो नया बिल्ड है उसकी क्वालिटी भी बेटर रहेगी और इससे टीम का मॉरल भी बूस्ट होगा कि हाँ, जो नया बिल्ड हम लोगों ने बनाया है, डेवलपर्स ने जो नया बिल्ड बनाया है वो अच्छी क्वालिटी का है। ये टीम का मॉरल भी बढ़ाता है और क्वालिटी तो इम्प्रूव हो ही रही है। जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चला करके जल्दी से सारे टेस्ट केसेस सक्सेस करवा लेंगे। अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको हम लोग फिक्स करेंगे। तो डेवलपर जैसे ही नया बिल्ड क्रिएट करते हैं उसको क्यूए टीम को देने से पहले खुद उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन करके। तो जो डिफेक्ट्स, जो पुराने टेस्ट केसेस हैं एटलीस्ट, वो तो सारे रन हो ही जाएंगे, तो एटलीस्ट वो डिफेक्ट्स क्यूए में नहीं, फिर से नहीं आएंगे। तो क्यूए जो है क्या है कि कोई नया डिफेक्ट फाइंड करेगा, पुराने डिफेक्ट नहीं निकालेगा। तो ये भी डेवलपमेंट टीम का जो है मॉरल बूस्ट करता है कि एटलीस्ट कोई पुराना डिफेक्ट नहीं निकल के आया। इस तरह से देखा जाए तो ऑटोमेशन का यूज़ करके हम लोग क्यूए टीम का भी टाइम और एफर्ट
बचा सकते हैं। क्यूए टीम अपना टाइम और एफर्ट नए तरह के डिफेक्ट को फाइंड आउट करने में डालेगा, ना कि पुराने डिफेक्ट्स में लगा रहेगा। अब हम लोग फोकस करेंगे लेवल ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग किस किस तरह से कर सकते हैं। इसमें पहला एक तरीका तो है कोड ड्रिवन, मींस जिस सॉफ्टवेयर को हम लोगों को टेस्ट करना है या जिसका ऑटोमेशन टेस्ट केसेस उसके परफॉर्म करने हैं, उसके सोर्स कोड में जा कर के हम लोग डिफरेंट टाइप्स के इनपुट आर्गुमेंट्स पास करेंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि आउटपुट क्या रहा। तो इसको कोड ड्रिवन ऑटोमेशन टेस्टिंग बोलते हैं। इसमें सोर्स कोड लेवल पर जा कर के टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। इसके लिए हम लोग एक बेसिक का बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, केवल समझने के लिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सपोज़ एक फंक्शन लिखा हुआ है एडिशन का, जिसमें दो नंबर्स दिए जाते हैं एज ए इनपुट और वो हमें उनका एडिशन करके रिज़ल्ट देता है। इस तरह का फंक्शन लिखा हुआ है तो हमें इसका ऑटोमेशन टेस्ट केस लिखना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कुछ सब एडिशन करना है दो नंबर्स का, तो दो नंबर्स एज ए आर्गुमेंट हम उस फंक्शन में पास करेंगे। इस तरह से हम लोग अपना टेस्ट केस लिखेंगे और फिर जो आउटपुट आता है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है और एक्चुअल में क्या आउटपुट आया है। अगर जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट के इक्वल है तो इसका मतलब है ये फंक्शन सही लिखा गया, ये सोर्स कोड सही है। तो ये केवल समझने के लिए था, बाकी और जब डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग कोड ड्रिवन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे कि दूसरे किस तरीके से हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है GUI ड्रिवन। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूज़र एंड I फॉर इंटरफेस। तो GUI ड्रिवन टेस्टिंग में हम लोग यूज़र इंटरफेस पे जा कर के फिर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोग यूज़र इंटरफेस में जो UI कंट्रोल्स होते हैं उनमें हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई एक टेक्स्ट बॉक्स है तो उसमें की स्ट्रोक्स करेंगे कि जो है कीबोर्ड से जो है की प्रेस करके देखेंगे, ये कर सकते हैं। या कहीं पर अगर क्लिक कर सकते हैं तो माउस क्लिक करेंगे, ये सारे एक्शंस हम लोग करते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि इसको करने के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यूज़र इंटरफेस में क्या बदलाव आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे GUI ड्रिवन ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो GUI ड्रिवन ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम लोगों को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अगर कुछ एक्शन लेना है तो उसके लिए टेस्ट केस लिखना पड़ेगा। सपोज़ हमें किसी एक इनपुट बॉक्स है, टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, तो उसमें हमें कीबोर्ड के थ्रू जो है इनपुट देना है। तो हम लोग इसमें क्या टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, सपोज़ हमने कुछ कीबोर्ड से कीज प्रेस की, फिर हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने की प्रेस की और उसके बाद जो इनपुट
इनपुट बॉक्स में जो कीज़ दिखा रहा है, जो उसका कंटेंट है, वो क्या मैच कर रहा है जो हम लोगों ने इनपुट दिया है वो, और जो इनपुट बॉक्स में जो कंटेंट अभी गया है वो, इसके लिए टेस्ट केस लिख सकते हैं, या फिर बहुत सारे किसी फॉर्म को पूरा फिलअप करके ऑटोमेशन टेस्ट इसके लिए भी पूरा लिखना पड़ेगा। एक जो भी टेस्ट डेटा है वो सब उसमें उस फॉर्म में फिल करेंगे उस टेस्ट डेटा से, फिर सबमिट बटन पे क्लिक। तो यहाँ पर एक क्लिक इवेंट है कि सबमिट बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए टेस्ट केस लिख सकते हैं। और फिर जब हम लोगों ने सबमिट बटन को क्लिक किया, उसके बाद जो आउटपुट आना चाहिए, स्क्रीन पे दिखना चाहिए, क्या वो चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है एज एक्सपेक्टेड, तो इसके लिए हम लोगों को टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट केसेस लिख करके गुई टेस्टिंग कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं गुई टेस्टिंग। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर आगे की चीज़ें देखेंगे, ऑटोमेशन टेस्टिंग और कैसे साइप्रस को यूज़ करें, हाउ टू डू ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग साइप्रस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं, या कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें, साथ में रेड बटन को हिट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें।